अब तक आपने देखा विद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर साईं कुलकर्णी की सराहना करते हैं। यमुना की सगाई के पश्चात विट्ठल को लेकर महालसापति जब खंडर पहुंचते हैं तो ये ज्ञात होता है कि उस रात साई ने ही विट्ठल को महालसापति के घर शरण लेने भेजा था, जिसे सुन सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इधर कुलकर्णी माधव को साई पर नजर रखने का काम सौंपता है। अब आगे और माधव, ये मत समझ लेना कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये तो तुम अंग्रेज सरकार के लिए कर रहे हो, शिरडी के लिए कर रहे हो। हरिओम जीओ। ये लो, इससे नींद नहीं आएगी और तुम हमेशा सतर्क रहोगे। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया है। यदि अगर मुझे रात दिन जागना पड़े तो भी मैं जागूंगा। अगर वो सच में ढोंगी है, क्रांतिकारी है, डाकू है जो यहां भेष बदलकर छुपा हुआ है, तो जनता के सामने उसकी सच्चाई लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रियो, डकैत, क्रांतिकारी, आपको सच में उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा होगा? आज की दुनिया में कौन क्या है, किसकी असलियत क्या है, कहां पता चलता है? और फिर अगर अंग्रेज सरकार को उस पर शक है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब आप ही बताइए, देखने में कितना भोला लगता है वो। अब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो नजर तो रखनी पड़ेगी। आहो, दूध। वो अभी सामने नीचे था, वो अचानक से ऊपर कैसे चला गया? आपको कुछ वहम हुआ होगा, चलिए सो जाइए। ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है?
नर्मदा? हाँ नर्मदा, पूजा के फूल क्यों नहीं है? वो कल रात को बगीचे का किवाड़ खुला रह गया तो बकरियों ने सारे फूल खा लिए। अरे तो बगीचे में फूल नहीं थे तो तुम बाहर से ले आती। सरकार पूजा में बैठने वाले, उन्हें अगर फूल नहीं मिले तो? मैं अब भी लेकर आती। तुम रहने दो, दो मैं लेकर आती, तुम बाकी काम देखो। इतनी जल्दी फूल कहाँ मिलेंगे? सब तरफ फूल ही फूल हैं। फिर इतना सोचना क्या? ये माथे पे क्या लगा रही हो? बैराकी ने आशीर्वाद में फूल। लेकिन मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। बहुत भूख लगी है। मैं कहाँ चली गई सुबह सुबह? यहाँ भूख मेरी जान लेने पे तुली है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरी। वहीनी, 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 कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? वो पूजा के फूल नहीं थे वही लाने गई थी। पूजा के ध्यान में घर के लोगों की पेट पूजा तो भूल ही गई है ना। बस एक बार पूजा खत्म हो जाए मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ फूल नहीं थे। कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? भूत देख लिया क्या सुबह सुबह? फूल, फूल, फूल? समिहन नमस्तुते, दुग्धं समर्पयामि। जलं समर्पयामि। चंदन समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, भगवान को सफेद नहीं लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। भूल गई? आज बगीचे में लाल फूल नहीं थे। तो नहीं करो पूजा, ऐसे उठ जाओ। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। नहीं तो खाता उस पाखंड में फूल देते समय सरकार को बता देते हैं।
हाँ रुको। पुष्पम समर्पयामि। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूजा में लाल के अलावा किसी और रंग के फूल चढ़ाए हो। अब जब दादा इन सफेद फूलों की पूरी कहानी सुनेंगे तो इस रुक्मिणी का क्या होगा? तुलसी समर्पयामि। फलम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। आराम से। काशीराम, अच्छा लगा तुम्हें स्वस्थ देखकर। सब आपका ही करम है साईं। करम तो सिर्फ कर्मों का होता है काशी। लेकिन सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म कि आप हमारे जीवन में आए। गोदा ने मेरे मुंह की बात छीन ली साईं। थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो सोचा आपको धन्यवाद बोल दूं। कल से कपड़ों का व्यापार दोबारा शुरू कर रहा हूं। नया जीवन, नई शुरुआत। आपके आशीर्वाद के बिना नई शुरुआत कैसे हो सकती है? आज तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। हमसे कुछ भी छुप नहीं सकता, हम शिरडी के कान और आंख हैं। लेकिन आपने सरकार को बताने क्यों नहीं दिया? बताऊंगी सही वक्त आने पर। तब तक तुम लोग मुंह मीठा कर लो। अरे लो ना, तुम दोनों के लिए तो है। इतनी सुबह यहां आना मतलब कुछ ना कुछ खबर तो लाया है। अरे माधव, सुबह सुबह विद्यालय छोड़कर तुम यहाँ? देखा अंता जी, हमें मिलने वाले लड्डू अभी से मिल रहे सरकार का खास खबरी जो है। खबरी? ऐसे खबरी होने लग गए तो क्या बात है। सरकार से मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। क्या मेरा मतलब है कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई खबर मिले तो बताना। खबर? क्या क्या खबर? साईं के बारे में। मुझे जीवन दान देने के बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। ये एक कफनी है, आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा जैसे आपका आशीर्वाद मिल गया। मेरी पोशाक बदलना चाहते हो काशीराम? साईं, बचपन से देखता आया हूं। माँ के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, माँ उसके लिए हमेशा वस्त्र बनाती थी, पहनाती थी। मैं पूछता था तो वो कहती थी, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार अपने आराध्य के लिए वस्त्र बनाते हैं। आप भी तो हमारे लिए भगवान ही है। मेरी और गोदा की इच्छा है कि आप ये कफनी पहने। मना मत कीजिएगा, अगर आप ये कफनी स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। तुम दोनों का प्रेम है इसमें तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा।
भाई, ये इतनी ऊपर किस लिए? रात को मैं इसी पर सोता हूं। इतनी ऊंचाई पर? पलक झपकते ही वो इतनी ऊपर उस तख्ते पर कैसे पहुंच गए? और उसके बाद मुझे अरे आगे भी बोलो। मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी, और सच कहूं तो वो आवाज सुन के मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे एक अच्छे इंसान। हरिओम, यही करता है वो माधव, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। लेकिन तुम अपने ध्येय से विचलित मत होना। पूरे शिरडी के उद्धार का दायित्व है तुम पर। बात की गंभीरता को समझ रहे हो ना? अरे मुंह क्या ताक रहे हो? कुर्सी दो बैठने के लिए माधव को, जाओ। बैठो। अब नहीं नहीं सरकार, इसकी बैठो बैठो बैठो। माधव, ये संघर्ष है धर्म और अधर्म में, तुम पर निर्भर करता है विजय किसकी होगी। विजय तो धर्म की ही होती आई, और इस बार भी जीत धर्म की ही होगी। हरिओम। कुलकर्णी सरकार को कुलकर्णी सरकार बनाए रखने में दाएं और बाएं हाथ थे हम दोनों। सिर्फ हाथ ही नहीं, उनकी आंखें भी हम ही थे, कान भी हम ही थे, और नथुने भी हम ही थे। वैसे उस माधव को आए हुए कि दिन भी कितने हुए, लेकिन नहीं, सरकार ने सीधा सर पे बैठा लिया उसे। हम तो बस उसके लिए कुर्सी लाने के लिए रह गए। सरकार का खास बन गया है वो। अगली बार कुर्सी लाने को बोला तो खीला लगा दूंगा। खीला लगाना ही है तो सरकार के विश्वास पर लगाओ, और दिखा दो उन्हें कि हम भी क्या कर सकते हैं। सरकार के विश्वास पर खील? हाँ, सरकार के बिना कहे ही हम उस साई पर नजर रखेंगे, और जो भी होगा उसकी खबर सरकार को सबसे पहले हम देंगे। दादा दादा सुनो, गति बढ़ा लो दादा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का चूं? अरे दादा, वो तुमसे ज्यादा तेज है, तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार तक पहुंच गया है वो। चूं जो कहना है वो स्पष्टता से कहो, पहले मत बुझाओ। भगवान तो सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। तो रुक्मिणी ने कहा था आज सुबह? नहीं दादा, उसने तो बस दोहराया था। पता है किसने कहा था? उस साई ने सुबह फूल देते वक्त। कौन सा फूल? वही सफेद फूल दादा, जो आज सुबह पूजा में तुमने अर्पित किए थे दादा। वो फूल साई ने दिए थे वहीनी को। रुक्मिणी को वो फूल साई ने? हाँ दादा। उस पाखंडी ने दिए फूल अर्पित किए मैंने अपने विष्णु को। हाँ दादा,
तुम्हारे स्थान पर मैं होती ना दादा, तो इस बात से चिंतित होती कि तुम्हारी पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है। और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा? ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। साईं, हमें एक वचन दीजिए, आपको जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो निसंकोच हमसे कहिएगा, हम आपकी सेवा का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहते। मेरी सेवा करना चाहते हो तो पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, वही मेरी सेवा होगी। जरूर करेंगे साईं। काशी, चलते हैं साईं। जो डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु, इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। अल्लाह मालिक।